नवीन गुलिया जी आज समाज सेवा कर रहे हैं, वो भी जोर शोर से। सबसे पहले दिखाते हैं उन्होंने क्या किया है। नवीन गुलिया गुड़गांव। बीस साल पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुए एक हादसे की वजह से व्हीलचेयर पर पहुंचा ये शख्स आज खुद अपनी कार ड्राइव करने से लेकर एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने के साथ ही बच्चों के लिए एक संस्था भी चला रहा है। देश की सेवा करने के लिए 1995 में नवीन गुलिया पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचे थे, लेकिन वहां हुए एक हादसे की वजह से नवीन हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गए। नवीन ने इसके बाद अपने जज्बे के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी की। ड्राइविंग का शौक पूरा करने के लिए अपनी कार में खुद ही बदलाव करके सारे कंट्रोल्स हाथ में लिए। इसी के साथ नवीन ने खुद ड्राइविंग करके बिना रुके नई दिल्ली से चाइना बॉर्डर पर स्थित मार्सिमिक दर्रे तक का सफर 55 घंटे में पूरा किया और एक विश्व रिकॉर्ड बना डाला। साल 2004 से ही नवीन उन बच्चों के लिए एक संस्था भी चला रहे हैं जो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, और उन्होंने इस वक्त बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया के खिलाफ भी जंग छेड़ रखी है। अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद लगातार समाज सेवा में जुटे नवीन के जज्बे को एबीपी न्यूज सिंघम ब्रेवरी अवार्ड करता है सलाम। नवीन गुलिया जी के जोरदार तालियां। जोरदार तालियां, क्या बात है, अद्भुत। सर प्लीज अवार्ड प्रेजेंट कीजिए। सर जोरदार तालियां नवीन गुलिया जी के। मैं एक संदेश देना चाहूंगा, अगर आप मुझे सिर्फ एक आधा मिनट का समय दें। जी जी बिल्कुल। तो वो संदेश ये है कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि किसी भी देश की प्रगति उस देश के सबसे कमजोर से जानी जाती है, और इस देश में सड़कों पर बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। वो बच्चे अपनी मर्जी से नहीं आते, उनको रेड लाइट का पता नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कि भीख कैसे मांगनी है, उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा कैसी मांगी जाए। और मुझे एज एन इंडिविजुअल, एक सैनिक के तौर पर, इस बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसा समाज है जो इस चीज़ को अलाउ करता है, अपने बीच में ऐसी चीज़ को होने के लिए अलाउ करता है। करप्शन मेरा मुद्दा नहीं है, लाइट मेरा मुद्दा नहीं है, मेरे को बिजली मत दो, मेरे को दो टाइम का खाना मत दो, मगर कम से कम सबसे पहले इस इशू को एड्रेस करो कि हमारे देश की गलियों में बच्चों से भीख नहीं मंगवाई जाए। और इसके लिए मैं आप सबका समर्थन मांगता हूँ, अगर इसमें आप मेरा सहयोग दे सकें और इस चीज़ को हम रोक सकें। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत बहुत शुक्रिया।